अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार चैनल। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के औकात में इजाफा करने के बाद आवाम ने ली राहत की सांस, क्योंकि एक बजे तक छोटे कारोबारी और ऑटो ड्राइवर्स अपना कुछ कारोबार कर पा रहे हैं, जो कि सुबह 10 बजे तक मुमकिन नहीं था। चारमीनार ऑटो स्टैंड के पास ठहरने वाले ऑटो ड्राइवर्स ने इस चीज़ के लिए हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही साथ सीएम केसीआर से अपील भी की कि लॉकडाउन के मरहले तक ऑटो ड्राइवर्स पर नाहक और नाजायज़ चालान शायद ना किए जाए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जगह जगह ड्राइवर्स पर कई चालान शायद किए जा रहे हैं और ख़ासकर चारमीनार मदीना बिल्डिंग के पास जो ट्रैफिक पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर है जिनका नाम श्रीनिवास है, इनकी जानिब से तो तमाम ऑटो ड्राइवर्स ही परेशान हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले भी एक ऑटो ड्राइवर ने अपने घर वालों का पेट भरने और अपना चालान माफ़ करवाने के लिए CI श्रीनिवास के पैर तक पड़ लिए, लेकिन पुलिस ने रत्ती बराबर भी इंसानियत का मुजाहरा नहीं किया। लिहाजा तमाम ऑटो ड्राइवर्स ने CM KCR से दर्द मंदाना गुजारिश की कि नाहक इन पर चालान शायद ना किए जाए। पेश है तेलंगाना स्टार चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, अभी हम लोग आप तमाम को जैसे पता है लॉकडाउन चल रहा है, अभी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से और 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अभी हम लोग चारमीनार के जो ऑटो स्टैंड्स है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स को जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से जो है चालान किए जा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी सारी तफसीलात। मेरा नाम सैयद वाजिद है, मैं काले पत्थर का ऑटो चलाता हूँ और यहाँ पर बहुत तकलीफ बहुत दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले ठहरने नहीं दे रहे हम लोगों को बराबर। दर्रा अगर पैसेंजर उतर रहा तो चालान मार देते, फोटो चालान 135 का मानते हम, 1035 का मानते हम, ये 635 का चालान बहुत खतरनाक मार दे रहे हैं। और 635 का कहाँ से चालान हमारे को मालूम नहीं है ना साहब। और एक बात, इतनी तकलीफ दे रहे हैं, किराए नहीं कर रहे हम लोगों के गाड़ियों के, ना गाड़ी के किराए नहीं कर रहे, ना घर के किराए नहीं कर रहे, ना घर के खर्चे के नहीं कर रहे पैसे, एक रुपए का कोई चीज़ वो नहीं कर रहे। मास्क भी लगे हुआ रहा तो तकलीफ दे रहे, पैसेंजर उतारे तक चालान मार दे रहे, कहाँ से देंगे बताइए आप। कितने साल से चलाते हैं आप ऑटो? कम से कम 5-6 साल से गाड़ी चलाता हूँ साहब मैं, फिर भी परेशानी है। हम कहाँ से देंगे बताइए, गाड़ी के किराए नहीं दे सक रहे, फाइनेंसर हाथ दम कर दे रहे हैं। और बनना तो बनना है, और तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो 10 बजे तक जो टाइम दिया गया था जी, टाइम बढ़ाकर जो है 1 बजे तक टाइम दिया गया, उसमें आपको कितनी राहत मिली? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अपन अदा कर रहे हैं, कोई चीज़ हम लोगों को कुछ पड़ रहा, आप कुछ तो भी एक लेके जा सकते थोड़ा बहुत, अब वो भी नहीं हो रहा। अगर 5-6 टाइम तक तो भी वो कर रहे हैं KCR साहब, तो भी थोड़ी तकलीफ दूर होंगी हम लोग, हम लोग कुछ तो भी घर में लेके आ सकते, हम गाड़ी का वो कुछ तो फाइनेंस भर रहे ना, सेटा तो भी गुत्ते वो कर सकते, गुत्ते तक नहीं निकल सक रहे भाई हमारे को, कहाँ से देंगे बोलो आप। बहुत परेशानियाँ हो जा रही पैसों के लिए, सेठ तो कोई माफ़ नहीं कर रहा किराया, ना गाड़ी का किराया माफ हो रहा, ना घर का किराया माफ हो रहा, हर चीज़ की परेशानी हो जा रही हम लोग। अब कितना बोल के बताइए, बोलेंगे पुलिस वालों को बोले तो हम क्या कर सकते हैं, बोल के बोल रहे हो लोग, जाके समझाए तो नहीं हम नहीं जा सकते, ये टाइम से ये टाइम पे चलाना तुम, उससे ज़्यादा नहीं कर देंगे। खैर उनकी भी उन्होंने ड्यूटी निभा रहे, हम भी वो बात मानते, मगर हमारे को जो परेशानी है का वो करेंगे क्या लोग। तकरीबन ऐसा ट्रैफिक में इतना टाइम चल जा रहा, आप जाके आए तक एक एक घंटा हो जा रहा, 100 रुपये 80 रुपये 200 रुपये कमा रहे, क्या लेके जाएंगे बताइए घर, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। पर गाड़ी का किराया तो देना ही देना है, सेठ को कोई माफ़ नहीं कर रहा, 100 रुपये तो देना ही देना पड़ रहा हूँ डेली, कहाँ से देंगे बताइए। और क्या एक घंटा बढ़ रहा तो नहीं टाइम मिल रहा ना तुम्हारा, किराया बढ़ाना 150 देना 200 देना पर कहाँ से देंगे भाई। इसलिए मीडिया में आके KCR साहब से यही अपील है कि थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाए कि हमारे किराया निकाल सकता है, अगर कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो दे, और घर के किराए माफ़ होना हमारे को, तकलीफ है चालान जल्द से जल्द थोड़ा नरमी बताइए चालान में, बहुत तकलीफ हो जा रही है हमारे, कहाँ से देंगे बोलिए गरीब। हम 5-6 हज़ार रुपये एक एक के ऊपर चढ़े हुए गुत्ते, इनको 10 हज़ार है, इनको 5 हज़ार है, इनको 8 हज़ार है, कहाँ से देंगे साहब, बहुत परेशान हो जा रही, ना तो गाड़ी छीन लेके चल जा रहे हैं, कमाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या बच्चों को बताइए आप। बस आपसे गुजारिश है कि थोड़ी बहुत नरमी करिए हमारे पर। देखो मेरा नाम इमरान खान है, मैं तिगल कुंडे से हूँ, ऑटो स्टैंड का मैं भी ऑटो चलाता हूँ। लेकिन देखिए साहब, हम लोगों को बहुत सी तकरीबन तकलीफ हो रही है, यहाँ पे ऑटो लगाते ऑटो के वास्ते वहाँ को चालान हो रहा है, उसके बाद में अभी ये जो लॉकडाउन अब जो कम करके जो बढ़ा है आज, जो तकरीबन थोड़ा टाइम दिया हम लोगों को, और थोड़ा टाइम दिया तो अच्छा था, लेकिन हम लोगों के जो ऑटो के किराया है, ऑटो जो चलाते हम लोग डेली 300 रुपये गुत्ता है हम लोगों को गाड़ी का, अब हम लोग गाड़ी का गुत्ता कैसा देंगे साहब, और घर का खर्चा नहीं निकल रहा, गाड़ी का गुत्ता नहीं निकल रहा, गैस के पैसे नहीं निकल रहे सर हमारे को, कुछ थोड़ी अगर हमारे को आप लोग मदद कुछ करेंगे तो हम ऑटो वाले
सही हिसाब से हमारे इससे कर सकते हैं। और हम लोगों को घर के किराए के बहुत टेंशन आ जा रहे हैं, मकानदार अब तो महीना होते कि आते के ठहर जा रहे हैं, दियो बोल के नहीं दिए तो घर खाली करो बड़े। अब वक्ती हम लोग ऑटो ड्राइवर घर के सामान खाली कर लेते, कहाँ फिरेंगे सर। अगर आप केसीआर साहब से हमारी यही गुजारिश है कि थोड़ी बहुत हमारे लिए कुछ ऑटो वालों के लिए कुछ मदद करो साहब, ऑटो ड्राइवर्स बहुत तकरीबन हम लोग परेशान है। हम लोग ज़रा अगर एक जनों को अगर सामने किसी को बिठा के लेके चले गए पायलट को, 135 की चिलर की फ़ोटो मार रहे, कभी 1000 रुपये की फ़ोटो आ जा रही, सब हम लोग क्या करेंगे, कमाएंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो साहब। अब हम लोगों की यही गुजारिश है केसीआर साहब से कि हम लोगों को कुछ तक मदद करी जाए। और असद साहब अकबर साहब से भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत हमारे से हमको मदद की गुरा लगा। और तेलंगाना गवर्नमेंट जानिब से जो 4 घंटे का टाइम था अभी उसको बढ़ाकर जो है 1 बजे तक रखा गया, उसके बारे में केसीआर साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते। 2 घंटे बढ़ाए, अगर और थोड़ा टाइम बढ़ जाता था तो हम लोग को सहूलत होती थी, बहुत बहुत सहूलत होती थी। क्यों बोला, आप थोड़ा टाइम बढ़ाए बहुत अच्छा थी, काम आपको थोड़ी आज अच्छा हुआ, लेकिन और थोड़ा टाइम बढ़ा दिए तो हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए हमको ये रहता। लेकिन साल से चलाते आप ऑटो? हम लोग तकरीबन देखिए साहब 8-8, 9-9, 10-10 साल से गाड़ी चला रही है लाइन पे ऑटो में, क्या था साहब, कुछ भी नहीं था जब से हम लोग ऑटो चला रहे। अभी फिर भी कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को, खाली सब कुछ भी, कोई भी आते लीडर साहब बोलते कि हमारे को मदद करते, कब करते साहब, कब तो भी करते आखिर, कब करते हम लोगों को, खाली बोल रहे हैं करते 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 आखिर कब तो भी करना चाह रहे हैं। हमको एक टाइमिंग तो भी बोलिए सर, जब आते हम लोग अभी पूरे ऑटो ड्राइवर्स मिल के, ये मेरे पूरे भाया है, और हम लोग एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे को कुछ ना कुछ तो भी करिए सर, क्योंकि हम लोग हद से ज़्यादा बहुत परेशान है, गाड़ी के गुत्ते चढ़ गए हुए सर। ये देखिए इनके तरफ 5-6 हज़ार है, मेरे तरफ 8-10 हज़ार है, इनके तरफ है, हम लोग पूरे परेशान है सर यहाँ पे जितने भी। अब उसके लिए हम लोग ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अब हद से ज़्यादा गुजारिश कर रहे हैं कि हम आपको कुछ तो भी आप करिए। और फाइनेंसर करने गए सर, फाइनेंसर बोल रहा लॉकडाउन रहो कुछ भी रहो हमको मतलब नहीं, हमारे को फाइनेंस होना, बोले तो सर फाइनेंस कहाँ से ला के डालेंगे, धनाधन धनाधन गाड़ियाँ पकड़ ले रहे हैं सर फाइनेंसर, हम भी फाइनेंसर हम मान रहे नहीं, हमको घर में घर के खर्चे के लिए 100 रुपये लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। अब गैस कुछ 200 रुपये लग जा रहे हैं, 100 रुपये घर का घर को ले जा रहे हैं, अब मकानदार बोल रहा दियो किराया बोल के ठहर जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फसीर रहमान है, मैं अच्छा 18 साल से गाड़ी चलाता हूँ, काले पत्थर में गाड़ी चलाता हूँ। यहाँ पर गाड़ियाँ रोकते पुलिस वाले चालान मारते हैं, 1000 रुपये 1200 का चालान मार दे रहे हैं। एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से टाइम आप बढ़ाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम, और थोड़ा टाइम दीजिए हमारे को, क्योंकि घर का किराया गाड़ी का गुत्ता नहीं कर रहा। एक तो गैस पे रेट अलग बढ़ गए, हम लोग परेशान है, घर का किराया क्या देंगे, गाड़ी का गुत्ता क्या देंगे, गाड़ी कैसा चलाना साहब, घर को नहीं तो गैस को नहीं, गैस को नहीं तो घर को नहीं होता, घर तो गाड़ी का गुत्ता नहीं कर रहा। हम लोग परेशान है, केसीआर साहब, असद साहब, आप लोग कुछ भी मदद करें हम लोग को, हम पूरे ऑटो वाले परेशान हैं, आप लोगों की कुछ मदद हुई तो मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राहिल है, मैं काले पत्थर पे रहता हूँ, 10-11 साल से ऑटो चला रहा हूँ साथ में। हम लोगों को प्रॉब्लम फोटो चालानों से हो रही साहब, हमारे गाड़ी के गुत्ते भी माफ़ नहीं है, डेली 100 रुपये बनना है साहब, बहुत माहौल हो जा रहा, गुत्ता निकालना, घर का किराया निकालना, गाड़ी का किराया निकालना। तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश है हमारे को थोड़ी मदद करिए, अकबर साहब से, असद साहब से भी गुजारिश है हमारी मदद कर लीजिए साहब थोड़ी। तेलंगाना गवर्नमेंट जो 4 घंटे आपके और बढ़ा दिए, जो 1 बजे तक टाइमिंग दी गई, उसमें आपको कितनी राहत मिली अभी? शुक्रिया अदा कर रहे हैं साहब केसीआर साहब का, हमको थोड़ी राहत मिली, और थोड़ी राहत मिलती तो अच्छा रहता था साहब, कारोबार नाम को नहीं है साहब, फोटो चलाना बे इंतहा हो रहे हैं साहब, वो फोटो चलानों के बारे में थोड़ी राहत होना साहब, हमारे घर के किराए घर के किराए माफ़ हो रहे हैं साहब, गाड़ी के किराए वैसी चे फाइनेंस आ रहा सता रहे हैं साहब पूरे गाड़ियाँ लोगों को। ओम प्रकाश है मेरा नाम, ऑटो के चलाना वालाना भूत है भाई, किराया नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा, फोटो पे फोटो आ रहे हैं। कितने साल से चलाते आप ऑटो? मैं 10-15 साल से चलाता हूँ। अभी आप लोगों क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ? अभी ऑटो ऑटो तो नहीं ठहर दे रहे, स्टैंड नहीं दे रहे, स्टैंड नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, हमारे फोटो मार रहे, वही प्रॉब्लम। सवारी उतरने से पहले फोटो, सवारी उतर रही फोटो मार दे रहे, प्रॉब्लम है भाई। 1035 चालान पर सवारियाँ नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे, सवारियाँ खर्चा घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया भाई। गाड़ी का गुत्ता क्यों बोल रहे हैं? कहाँ से ला के देंगे बोलो, गाड़ी के गुत्ते उत्ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मोहम्मद खालिद अली। ये ऑटो स्टैंड पे ऑटो लगाने नहीं दे रहे, और अपने ऑटो के सेटा क्या है, यहाँ पर पुलिस वाले भी तकलीफा दे रहे हैं नाजायज़ की, ठहरना नहीं दे रहे, ज़रा पैसेंजर उतर के उतरने भी नहीं दे रहे, फ़ोटो खींच ले रहे हैं उन लोग। 1035 का चालान होगा, फिर 100 और यूनिफॉर्म के वो ये बोल के डाल दे रहे, वो तो हक पे है ना, ये बोले तो गैर ज़रूरी डाल दे रहे हैं इन लोग,
कैसा जीना, ऑटो का गुत्ता देना है, गुत्ता दियो बोल के ना गाड़ी वाले बोल रहे हैं, कैसा करना आप ये अपना ही बताइए। हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा कुछ ना कुछ बंदोबस्त करिए ज़रा। क्या है ऑटो स्टैंड, मैं चार साल से चला रहा हूँ मैं जी, उससे कुछ भी नहीं मिल रहा, वो कुछ भी सहूलत नहीं है। शाम तक रहा तो कुछ ना कुछ होता हमारा, कुछ ना कुछ 5-6 बजे तक तो भी रहा था, पहले जो नाइट कर्फ्यू था वो अच्छा था हमारे को, फिर भी हमारा घर चलता था, कुछ भी होता था। अब ऐसा बोले तो बहुत मुश्किल हो जा रही है हम लोगों को, बहुत परेशानी दे रहे हैं। मकानदार अलग किराया दियो बोल के बोल रहे घर के, मकानदार सवारी नहीं ले रहा भाई, हम लोग बहुत परेशानी हो जा रही है हमारे को। अब डायनेमिक सक्सेस द जूनियर कॉलेज, एंटर टू विन मास्टर्स इन एमपीसी एंड बाईपीसी, इंटीग्रेटेड कोचिंग फॉर नीट आईआईटी जेईई, सेपरेट ब्लॉक फॉर गर्ल्स, better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 0402970124. An Institute of Success Schools. इसे और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपसे राबता कलाम करते रहें ये खबरें लेकर।